हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक. लेकिन अगेन सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ये वीडियो भी फ्यूचर प्रिडिक्शंस का नहीं है, ये मेरे पास्ट प्रिडिक्शंस का है. आज हम बात करेंगे 2019 में मैंने आपको क्या क्या कहा था और वो कितना सच निकला. ये वीडियो भी तो बनता है ना. मुझे पिछले साल भी बहुत मजा नहीं आ रहा था आप लोगों के सामने वो सब प्रिडिक्शंस करने में, और ना ही अब आ रहा है. लेकिन जो है वो है. कोई चीज अगर खराब है तो उसको हैंडल करना पड़ता है. कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर को दिखाना पड़ता है. कई बार ऑपरेशन, सर्जरी, बेड रेस्ट, बहुत कुछ होता है. और ये सब बातें लास्ट ईयर ही आपको हमने बताई थी. आप सब जानते हो कि अधिकतर प्रेडिक्शंस मेरे ब्रदर संजय बीजुमानी ने किए थे. सो लेट्स गो बैक एंड फाइंड आउट कि मैंने क्या क्या कहा था और वो कैसे कैसे सच हुआ. एक एक करके बात करते हैं. पहले बात करते हैं वेदर. अगर मैं आपको एक मुहावरे में कह पाऊं तो पल में तोला पल में माशा. ये है प्रॉब्लम इस साल का. यानी कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट मोमेंट क्या है. तो मुझे लगता है साल भर हम लोगों को एटलीस्ट छतरी और स्वेटर साथ में कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगा. देखा ना, अभी तक बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है. तो आपने महसूस किया ना कि सुबह आप घर से छतरी लेके निकले हैं और इतनी गर्मी पड़ रही है. और जिस दिन आपने सोचा कि ठंड होगी मैं स्वेटर लेके चलता हूँ, और उसी दिन धमाकेदार बारिश आपने एक्सपीरियंस कर लिया. मेरे सिटी पुणे में तो गर्मी, सर्दी और बारिश हम सबको झेल रहे थे एक ही दिन पे. अब बात करते हैं रिलेशंस की. लेकिन नंबर फोर के लोग और नंबर फोर थोड़ा रिबेलियस होता है. ये जल्दी किसी की बात सुनता नहीं है, अपने एरोगेंस में रहता है या अपने धुन में रहता है, रादर ये बोलना चाहिए. इस वजह से थोड़े रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. सो यू हैव टू ऑल बी वेरी केयरफुल ऑफ द रिलेशंस यू आर हैविंग इन दिस ईयर. बहुत सारे लोगों के रिलेशन गड़बड़ होने के चांसेस हैं. इट इज नॉट अ वेरी गुड ईयर ग्लोबली ऑल्सो. मैं नहीं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा उम्मीदें आपको करनी चाहिए. ये देखिए, मैंने आपको कहा था इस साल लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं. अमेरिका एंड चाइना के रिलेशन तो खराब हो ही गए, लेकिन चाइना के साथ बाकियों के भी हुए. चलो वो तो दूर की बात है. हमारे ही देश में कितने पॉलिटिशियंस ने अपने पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के चले गए, और घर घर में कितने रिलेशन बिगड़े होंगे. 8-9 महीने एक ही छत के नीचे झाड़ू पोछा और खाना बनाते हुए आप समझ सकते हो कितने रिलेशन बिगड़े भी होंगे, और खैर कुछ बने भी होंगे. मैंने आपको कहा था दूसरों की गलती के वजह से आप सफर कर सकते हो. 2020 का टोटल 22 पे आ रहा है. अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इसमें यह दिखाया गया है कि एक आदमी जो दूसरों की गलतियों के वजह से फंसता जाता है, जितनी भी गलतियां हैं उसके सर लादी जाती हैं, और उनको तब रियलाइज होता है कि जब बहुत देर हो चुकी होती है. और शायद हम लोग की अभी नजर आ भी रहा है ना, आपको पता है ना मैं क्या कह रही हूँ. बट वो बातें छोड़ देते हैं. 22 पे आते हैं, इसका मीनिंग बहुत अच्छा नहीं है. तो आप सबको सावधान रहना है, ज्यादा लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है. जो करना है जरा सोच समझ के करना है, ब्लाइंडली लोगों पे विश्वास मत करो. चाइना के गलती के वजह से पूरी दुनिया ने सफर किया. अभी बैट किसी ने खाया या वायरस फैलाई गई, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ. आपको याद है मैंने चाइना वर्ड यूज किया था कि इस साल चाइना का बबल टूटने वाला है. हम हमेशा कहते हैं कि 6 एक बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन 4 और 8 के साथ 15 नंबर अच्छे से नहीं जुड़ता है. 15 और 51 4 और 8 के साथ गड़बड़ कर देते हैं, और चाइना में वो होने के बहुत सारे चांसेस हैं. अब तक जो बूम चाइना ने देखा था, इतना बड़ा बबल देखा हुआ है. आई होप मेरी प्रेडिक्शंस ये वाली सही नहीं निकले, बस इस साल थोड़ा सा बबल टूटने का चांसेस है. चाइना की वजह से कितने लोगों ने सफर किया है. उफ, पूरी दुनिया एक साथ एक कंट्री की वजह से, और वो कंट्री का नाम हमने लिया था. प्राउड तो महसूस होगा ना. मुझे पता है आप में से सब कहोगे ये क्या बात है, आप तो बहुत अपनी बड़ाई करते हो. लेकिन आखिर हम ही एक थे जिन्होंने चाइना का नाम लेके आपको कहा था कि इस साल चाइना के वजह से ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो सकती है. मैंने आपको कहा था इस साल लोग रिबेलियस होने वाले हैं, गवर्नमेंट में अपहीवल्स होने वाली है.
बहुत सारा रिबेलियन भी आता है नंबर फोर के साथ। ओरिजिनलिटी आती है उसके साथ कीमत भी देनी पड़ती है, इन्वेंशन आए हैं तो कीमत भी देनी पड़ी है। इंसान को हर चीज इतना इजीली तो खैर मिलती नहीं है, सो नथिंग इज एवर फ्री। सो अकॉर्डिंगली आपको इस साल थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है। बहुत सारे अपीवल्स, डिस्ट्रक्शन, टेंशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम घर घर में नहीं, मोस्टली ग्लोबली भी हो सकते हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। बहुत लोग रिबेलियस होने वाले हैं और गवर्नमेंट में भी बहुत सारे अपीवल्स होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं जिसका हम अभी से ही देखने लगे हैं। सबसे पहले तो ट्रंप गए, कई लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया था, वहां तो अपीवल हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे ही देश में दिल्ली में राइट्स हुए, अब तक फार्मर्स का कुछ सोल्यूशन नहीं निकला है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी पार्टी छोड़ के रिबेलियस होके दूसरे पार्टी में चले गए। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हुआ है, हमने वोट किसी को दिया और आ गए और गए। सो इन शॉर्ट ये भी पूरी भविष्यवाणी एज इट इज सच निकली है। मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ अलग करेंगे तो टिक पाएंगे, ज्यादा फायदा कर पाएंगे, ये देखिए। सो मेक श्योर कि ये साल आप कुछ अलग करेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा पाएंगे। और इस साल क्या हुआ, इसने अलग किया वही बचा रहा, जो रूटीन में लगे थे ना ऑफिस जा सके, ना काम पे जा सके, ना घर पे जा सके, कितने लोग बेघर हो गए। जिन लोगों को समझ में आ गया कि ये 7-8 महीने हमें कुछ अलग करना है, सिर्फ वो ही बच पाए। जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, जिन्होंने घर में से बैठ के खाना पीना बनाना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, सिर्फ वो लोग ही सेल हो पाए। बाकी तो अपने सैलरी के इंतजार में घर बैठ के टीवी देख रहे थे। इस साल के लकी कलर्स मैंने आपको कहा था हैं येलो एंड ब्लू। इस साल के लकी कलर्स हैं ब्लू एंड येलो। सो जब मैं येलो एंड ब्लू कहती हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं ये भी कह रही हूँ कि द मेन इन ब्लू विल रॉक। IPL में मुंबई इंडियंस के यूनिफॉर्म का कलर क्या है, येलो एंड ब्लू। हमारे कहने पे गोल्डन डाला हुआ है उन्होंने और इस बार फिर वो IPL कप जीते। ऑस्ट्रेलिया जो हमेशा येलो पहनती है, उनके वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ICC कप भी जीता और ऑस्ट्रेलिया ने हमारे अगेंस्ट एक सीरीज जीत ली क्योंकि उन्होंने येलो पहना था। और फिर T20 में हमारे लकी डेट 6 दिसंबर को उन्होंने डिसाइड किया कुछ और यूनिफॉर्म पहनना और येलो उन्होंने नहीं पहना, जो हमारे फेवर में गया। क्यों? क्योंकि इंडिया इज 3, भारत इज 6 एंड वो दिन था 6 तारीख। और क्या फंटास्टिक फिनिश किया है जुमानी वाइट क्लाइंट्स शिखर धवन एंड हार्दिक पांड्या ने। किसी ने नहीं सोचा था कि वो मैच हमारे पास आ सकती है, सिर्फ हमने, क्योंकि हमने तो आपको लास्ट ईयर ही बता दिया था कि द मैन इन ब्लू विल रॉक। मैंने आपको लास्ट ईयर कहा था कि फाइनेंशियली भी कुछ ठीक नहीं है, इनफैक्ट जितना हो सके इस साल इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करना क्योंकि मनी इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक। सो सेव योर मनी, कीप योर कैश विद यू, गोल्ड या ऐसी चीजें लो जो आपको इट्स लाइक यू नो यू कैन जस्ट गो एंड गेट रिड ऑफ इट इन केस यू नीड मनी। तो बहुत सारे लोगों को शायद फाइनेंशियल तकलीफ भी आ सकती है। ग्लोबली भी मुझे बहुत मजा नहीं आ रहा है ये बोलते हुए कि बहुत अच्छा होगा। 2019 में हमने कहा था कि ये साल सेंसेक्स निफ्टी सब अच्छा करेंगे और वो किया उन्होंने, इट शॉट अप लाइक नोबडीज बिजनेस। फॉर फूड आई विल वॉर्न यू, जस्ट बी रियल केयरफुल, इन्वेस्ट करना ही है। सो अगेन आई थिंक इट्स गोल्ड, जबकि वो अभी 40 टच कर रहा है, बट देयर इज नथिंग एल्स। आई डोंट रिकमेंड यू टू रियली इन्वेस्ट इन बिग प्रॉपर्टीज। शेयर मार्केट के तो मैं हमेशा खिलाफ हूँ, कोई भी कंपनी में अपना पैसा मत डालिए। बीच में वो बिटकॉइंस वगैरह ये सब आए थे, डोंट पुट योर हार्ट एंड मनी ओवर देयर। बीवी बच्चों को सोना खरीद के दीजिए, बीवी खुश तो आप भी खुश। सो दिस ईयर बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू, थिंक 10 times एंड ओनली डू इट। सो नई नई बड़ी बड़ी योजनाएं मत करिए इस साल। इन शॉर्ट ये कहना चाहती हूँ कि हैव अ लो की अफेयर। और इस साल कितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए हैं लोगों के लाइफ में, बड़े बड़े बिजनेसेस डूब गए हैं, और तो और मैंने सुना है वॉरेन बुफे भी कई करोड़ों के नीचे आ गए हैं। तो वो तो बड़े लोग हैं, लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं,
जिम्स, ब्यूटी पार्लर्स, स्नैक सेंटर्स कितने दिन तक बंद पड़े थे, कितने लोगों के बिजनेस डूब चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी मेरी भविष्यवाणी सही निकली। पिछले साल जब मैं ये प्रेडिक्शंस कर रही थी ना, तो गोल्ड 40 का था, 57 पहुंच के आज 50 पे आया है। अगर आपने मेरी एक साल पहले भी बात सुनी होती और 40 में खरीदा होता ना, तो आज आप 10,000 प्लस में होते। मैंने कहा था 4 नंबर यानी गायनेक प्रॉब्लम्स एंड फीट प्रॉब्लम्स। अनफॉर्चुनेटली इस साल कुछ लेडीज को कंसीव करने में भी तकलीफ आएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नंबर 4 और 8 के वेमेन का। उन लोगों को जल्दी बच्चा नहीं उठ रहता है, या कभी मिसकैरेजेस होते हैं, या किसी न किसी वजह से उनको गायनेक प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो बी केयरफुल ऑफ योर स्टमक एंड बिलो द स्टमक एरिया इंक्लूडिंग योर फीट। तो जो भी थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होगा तो शायद आपके पैरों में होगा। इट्स नॉट अ गुड ईयर फॉर द एरिया स्टमक डाउन। इतना बुरा लगा था मुझे जब मैं वो सब सीन्स देख रही थी टीवी पे, इधर उधर फ्लैश हो रहे हैं, लोग चलते जा रहे हैं अपने घर की तरफ, चलते जा रहे हैं मीलों तक अपने घर। लॉकडाउन की वजह से सब बेचारे गरीब लोग अपने घर जाने को चल रहे थे, और ऐसी ऐसी गंदी तस्वीरें, दिल दुख रहा था देखने को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा मेहनत की है लोगों ने अपने घर तक चल के जाने के लिए। और ऑफकोर्स यहाँ सोनू सूद जो हमारे क्लाइंट है, उनकी भी बात करनी पड़ेगी। वो बहुत काम आए कई लोगों को मदद करने में, लेकिन सबकी मदद तो खैर वो भी नहीं कर पाए ना। मैंने आपको कहा था कि टेलीपैथी, थॉट ट्रांसफरेंस, कंप्यूटर्स एंड इन्वेंशंस के लिए ये बहुत अच्छा साल है। ये साल उन सब ब्यूटीफुल थिंग्स का है जो एक नंबर 4 आपको दे सकता है। अनथिंकेबल थिंग्स जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता है ना, वो नंबर 4 एक्चुअली 50-60 साल या 500 साल भी कभी कभी हमसे बहुत आगे सोचते हैं। तो जितने भी नए नए आविष्कार आप देख रहे हो, लाइक द कंप्यूटर, उसमें से नए नए एप्स जो निकलते हैं, या जो भी कंप्यूटर रिलेटेड चीजें होती है, मोस्टली नंबर 4 का इन्वेंशन। दे आर वेरी गुड इन इन्वेंशन। सो अगला साल हमें बहुत सारे इन्वेंशन मिलेंगे। किसने सोचा था कि स्कूल के बच्चे घर बैठे मोबाइल पे अपनी टीचर से बातें करेंगे, पढ़ाई सीखेंगे। हम लोग जूम मीटिंग से बातें करेंगे, टीवी शोज हो रहे हैं, कॉमेडियंस अपना शो कर रहे हैं, पिक्चरें बन रही हैं, अपने अपने घर में बैठ के लोगों ने मूवी बना ली है। किसी ने कभी सोचा था ये? आप एक शो देखने जाते हो, एक पूरा हॉल भरा रहता था, लोग घर पे बैठ के पिक्चरें देख रहे हैं, बड़ी बड़ी पिक्चरें रिलीज हुई हैं OTT पे। हम सब लोगों ने, जो स्पेशली लोग कंप्यूटर के फील्ड में काम करते हैं, सब लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया। इतना ज़्यादा यूज डिजिटल का क्या कभी हुआ था आज से पहले? मैंने आपको कहा था बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत इन्वेंशंस होने वाली हैं। आप सोचिए, अगर ये सब नहीं होता और आपका कोई रिलेटिव लॉकडाउन में विदेश में, तो क्या अपने ही देश में कहीं और अटका होता, आपका बच्चा स्कूल में अटका होता, आपका फैमिली का कोई मेंबर अपने हॉस्टल में अटका होता, तो कैसा होता? मगर डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सबको सेल थ्रू करा दिया। एक सेकंड में माँ बाप को पता चला, कोई बात नहीं बच्चे, तुम ठीक हो, कोई बात नहीं, आराम से घर आना, बट एटलीस्ट नाउ यू आर सेफ। सो दैट इज द पावर ऑफ नंबर 4, न्यू इन्वेंशंस। बॉलीवुड के लिए तो मैंने खास कहा था, अगर आपने इस बार हटके फिल्म्स नहीं बनाई ना, तो आप ही हट जाओगे। लेकिन एक शब्द जो उठ के आता है वो है हटके। तो हर फिल्में वाला यही बोलता है कि मेरी फिल्म थोड़ी हटके है, लेकिन ये साल थोड़ा हटके है और फिल्में भी हटके ही आएंगी। नॉर्मल फिल्म्स का कोई काम नहीं है इस साल, ओनली इफ यू आर ऑफ ट्रैक, डिफरेंट, ओरिजिनल। ये वर्ड भी याद रखिए, ये साल ओरिजिनैलिटी का है। इतने साल बॉलीवुड के लोग कहते हैं हमारी फिल्म हटके है, लेकिन इस बार अगर आपने हटके नहीं बनाई ना, तो आप हट जाओगे। और आपको पता है क्या क्या हुआ बॉलीवुड के साथ? मुझसे ज्यादा आपको पता है, क्योंकि बदनामी, पिक्चरों का मजाक उड़ाया जाना, और उस वजह से बॉलीवुड हैड टू रियली पे अ वेरी हैवी प्राइस। बड़े बड़े स्टार्स को डिमीन किया गया, डीमोटिवेट किया गया, बदनाम किया गया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड,
इस सबके ऊपर बीता था, बॉलीवुड पे थोड़ा ज्यादा। लेकिन मैंने एट द सेम टाइम ये भी कहा था, अगर आप इस साल कुछ हटके फिल्म्स बनाओगे ना तो पार हो जाओगे। मैंने राजकुमार राव का नाम लिया था और कहा था कि ये साल उनके लिए खास रहेगा। क्रिकेट का भी हमने आपको हिंट दे दिया, तो बॉलीवुड के लिए मैं यही कहूंगी, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव जैसे अनकन्वेंशनल लोगों के लिए बहुत मजा है इस साल। और यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरे कमेंट्स में भी लिखा था, जस्ट बिकॉज ये साल चार है डज नॉट मीन राजकुमार राव अच्छा करेंगे। खैर, मैंने उस एस्ट्रोलॉजर को तो अपने कमेंट लिस्ट से मैंने अपने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अगर आप किसी और अकाउंट से ये शो दोबारा देख रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपका नाम भूल चुकी हूँ, आपने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन देखा आपने क्या हुआ, क्योंकि हम सिर्फ वो बोलते हैं जो नंबर्स बोलते हैं। मैं अपना दिमाग ज़रा कम यूज़ करती हूँ, मैं क्यों अपना दिमाग यूज़ करूँ जब नंबर्स सब कुछ बोल सकते हैं, मैं क्यों यूज़ करूँ अपना दिमाग और कुछ एक्स्ट्रा बोलूँ। नॉट ओनली अवर क्लाइंट राजकुमार राव, लेकिन हमारे क्लाइंट पंकज त्रिपाठी ने भी तो गजब किया है, क्यों? किया ना? और आपको पता चला कि लूडो और छलांग जैसी मूवीज ने क्या गजब किया है। पिक्चरों की बात चली ही है तो मैं कहना चाहूंगी, अभिषेक ए बच्चन, वेलकम टू द जुमानिफाइड ग्रुप। और खैर 20 साल लगे लेकिन आखिर आप मान ही गए। सो जैसे ही आप मान गए, अभी आप कह रहे हो कि आपके पास चार चार फिल्में हैं। हम सब ने कभी नहीं देखा कि आपके पास चार फिल्में हैं, एंड इट मेक्स अस वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड कि अब लोगों को पता चलेगा कि अभिषेक बच्चन है क्या चीज। नेक्स्ट टू इयर्स यू आर गोइंग टू रॉकेट एबी बेबी। तारा जी के लिए मैंने क्या कहा था, बहुत ज्यादा क्रेज नजर आ रही है तान्हा जी में। जी हाँ, अजय देवगन जो हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने सही जगह पे वो एज डाला है, क्योंकि 18 नंबर पे टाइटल लाए हैं एंड डिशम की मूवी है, सो एक्सपेक्ट दैट मूवी टू रियली मेक गुड मनी। अगेन न्यूमरोलॉजी के फैन अजय देवगन, जिन्होंने अपने पूरी नाम की स्पेलिंग ही चेंज कर दी, उन्होंने ताना जी में सही जगह पे एक एच डाल दिया। एंड यू नो कि उनको कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था, क्योंकि जो पैसा उन्होंने कमा लिया पूरे साल में और किसी बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने नहीं कमाया। और लास्ट में मैंने आपको एडवाइस दी थी कि ये साल आपको कैसे जीना है। देखिए, सो दिस ईयर ज्यादा एंजाइटी नहीं चलेगी, स्ट्रेस नहीं चलेगा, शराब बिल्कुल नहीं, ज्यादा खाना पीना मत करना, और जितना हो सके अपने तबीयत का ज्यादा ध्यान देना। मुझे पता है मैंने बहुत सारा नेगेटिव कहा है, हो सकता है बहुत सारा नेगेटिव होने वाला है, लेकिन क्या आप और मैं इससे बच के जा सकते हैं? जैसे हर अच्छी चीज भी खत्म हो जाती है, वैसे ये साल भी गुजर जाएगा। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, एंजॉय लाइफ। जब घोड़े गधों का और कुत्तों का ख्याल वो रखता है तो आप और मैं तो इंसान है, ही केयर्स अबाउट अस, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड मैंने आपको बताया ही है कि पॉजिटिव रहने के लिए आपको ब्लू 24 का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पीपल हु आर स्मार्ट एनफ विल सेल थ्रू, और जो डर जाते वो मर जाते हैं। मैंने आपको कहा एंग्शियस मत होना, लेकिन कोविड ने आपको एंजाइटी दिया। मैंने आपको बोला ज्यादा मत खाना, लेकिन घर बैठे बैठे खाना पड़ा। मैंने आपको बोला ज्यादा मत पीना, लेकिन लॉकडाउन में सब बंद थी, लेकिन दारू के ठेके तो खुले थे, तो आपने ज्यादा भी पी। मैंने आपको बोला उसके ऊपर भरोसा करो, जो कुत्ते बिल्लियां पाल रहा है वो हमें भी पालेगा, लेकिन जिन लोगों ने भरोसा नहीं किया उनको बहुत तकलीफ आई। और अनफॉर्चुनेटली मेरे मुंह से ये शब्द भी निकले थे कि जो डर गया सो मर गया। आपको पता है जैसे ही कोरोना का कहर आ गया था, इनिशियली डर के मारे कितने लोग गए होंगे आपको कुछ आइडिया है? अभी इतनी मौतें नहीं हो रही है, इनिशियली कोविड की वजह से कितनी मौतें हुई। इनफैक्ट मेरी एक बुजुर्ग आंटी भी गई और 5 से 7 घंटे डेड बॉडी उनकी शमशान घाट के बाहर लाइन लगी हुई थी। इतने सारे मौत, लेकिन जो नहीं डरा, फेथ रखा, वो आज तक यहाँ है और ये वीडियो भी देख रहे हैं। दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि मैं आपको बता रही हूँ देखो देखो मैंने ऐसे बोला था, वो इसलिए नहीं बता रही हूँ, वो सिर्फ
उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको विश्वास नहीं है नंबरों के ऊपर। जो पिछले दिसंबर में बताई हुई चीजें हैं इस दिसंबर तक 90% खरी निकली हैं। अगर हम 100% होते तो खुदा ना होते। सो देर इज ऑलवेज फ्यू थिंग्स विच डिडंट गो राइट। सो आई एम नॉट सेइंग आई एम 100% करेक्ट, बट आई एम सेइंग वी आर 90% करेक्ट। तो क्या 90% करेक्ट कम होता है क्या? So again I'll remind you, this is not something to be proud of, it is just a reminder ki dekho numbers kitne powerful hote hain. Now we come to the end of this episode, we come to the end of this video, and next video is going to be about 2021 and bahut sari good news hai agle saal. So be prepared, we are all going to be in a very happy zone. Agar hum log इस साल में सेल थ्रू कर सकते हैं तो यू कैन नो हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर एंड हाउ मच वी आर गोइंग टू हैव फन नेक्स्ट ईयर। गॉड ब्लेस यू। सॉरी इफ आई हैव हर्ट एनीबॉडीज सेंटीमेंट्स, लेकिन जब कोई बोलता है तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। आई एम नॉट हियर टू प्लीज एवरीबॉडी, आई एम हियर ओनली टू स्पीक अबाउट नंबर्स। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे से कंसल्टेशन नहीं लिया है तो नीचे दिए हुए नंबर से मुझे कांटेक्ट कीजिए। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे ज्वाइन नहीं किया है तो इमीडिएटली जाके फॉलो कीजिए।